खोटं नाही बोलायचं कधी, बिलकुल खोटं नाही बोलायचं. काय का माहिती आहे का, खोटं बोललं ना की आपल्याला गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. अगर आपण झूठ बोलते ना तो अपने को मेमोराइज करना पड़ता है वो झूठ, क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए हमको और एक झूठ बोलना पड़ता है. इसलिए पहला झूठ हमको याद रखना पड़ता है. इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलने का, सच बोलने का. सच बोलेंगे ना तो अपने को ना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, मादा फंडा. इट्स 9:30. आज भी बादल है बट बारिश नहीं हो रही है. कल रात को भी बारिश नहीं हुई थी. कल गांव से आते आते रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, एकदम जोर की बारिश थी. बट पुणे में बारिश नहीं है. बारिश के आसार ज़रूर है बट बारिश नहीं हो रही. एंड अनफॉर्चुनेटली मंडे से, मतलब आज से ही पुणे कॉरपोरेशन का नया नोटिफिकेशन आया कि शाम के 4 बजे के बाद सब कुछ बंद रहेगा. एसेंशियल सर्विसेज छोड़ के बाकी सब चीज़ें 4 बजे के बाद बंद रहेगी. सो हमारी एकेडमी का टाइमिंग भी हम लोगों ने 2 से 4 का शिफ्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ दैट न्यू डेल्टा प्लस वेरियंट ऑफ कोविड, जो मैंने 2 ब्लॉक पहले बताया था कि पॉसिबली वो ग्रो हो सकता है. एंड उसकी नंबर भी बढ़ रहे हैं. पुन आई थिंक 3-4 दिन पहले 30 या 40 केसेस थे, उसमें से एक डेथ भी हो चुकी है. सो फॉर प्रिकॉशनरी मेजर गवर्नमेंट ने वापस रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्ट कर दिया है. वीकेंड लॉकडाउन वापस वैसे का वैसे रहेगा. जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हुआ था, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे लोगों ने गर्दी की थी. इवन लोनावला वॉज फुल पैक सैटरडे संडे, सिंहगढ़ पैक था. जहाँ पे भी टूरिस्ट आ सकते हैं वो सब जगह पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी. तो लोगों ने ये नहीं करना चाहिए. अगर हम लोग ऐसे बिहेव करेंगे ना तो ये लॉकडाउन कभी भी पूरी तरीके से खुलने वाला नहीं है. प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ. ठीक है, हम लोग बहुत दिनों से घर में बैठे हैं बट आप अपने गांव जाइए, आजू बाजू में कहीं घूमना है, हिल्स है वहाँ पे घूमिए, ना के टूरिस्ट प्लेसेस, ना के लोनावला बुक करके जा रहे हो. मतलब पता नहीं है, ये एसेंशियल चीज़ तो है नहीं ना. मतलब अब 2 महीने से घर में बैठ रहे हो, इसलिए अगर बाहर जाना है तो डायरेक्टली महाबलेश्वर या लोनावला जाना है, नहीं ऐसे नहीं है. आप घूमो ना, गवर्नमेंट ने आपको आजू बाजू में घूमने के लिए भी परमिशन दे दिए, तो घूमो, अपने एरिया में घूमो. ऐसी सारी टूरिस्ट जगह पे गर्दी करना सही बात नहीं है. एंड दैट्स वाई नंबर ऑफ केसेस वापस बढ़ना शुरू हो गया. जब तक हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते तब तक हम लोग को लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा. इसी के साथ हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं. सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल. अग्नि अंगद का लेक्चर है, मॉर्निंग से उठ के वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. मैं उठ के अभी फ्रेश होके तैयार हो गया हूँ. कल जो हम लोग ने आम लाए थे वो पके हुए आम है, वो रख नहीं सकते और इतने सारे आम मैं खा नहीं सकता, तो थोड़े दोस्तों में थोड़े थोड़े बांट दूंगा. एंड कल रात को बोल्ट भी आ गया है घर पे. कल आने के बाद उसको नहलाया मैंने, और नहाने के बाद जो सोया है भाई अभी तक सो ही रहा है वो. वहाँ पे उसने खाना नहीं खाया, तो यहाँ पे खाना खाया ना तो एकदम मस्त गहरी नींद सो रहा है. बाबा बाबा चला चला चहा पेचा. गुड मॉर्निंग. अरे गुड मॉर्निंग बाबा, भावा कुठे होता तू 2 दिवस. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. अभी भी नींद आ रही है उसको. झोपाई थे तुला? ओ माय बॉय माय बच्चा. झोपा झोपा चला. चलो गुड मॉर्निंग. उसका गुड मॉर्निंग हो चुका है. डोरी का नाश्ता भी हो गया है. शी इज ऑलरेडी इन गुड मॉर्निंग. देखो कल निकाले हुए आम, ये सेमी राइपंड है और दीज आर फुल्ली राइपंड. मतलब ये आज या कल मैं इसको खा के फिनिश करना पड़ेगा. कुछ मेरे लिए भी रखूँगा एंड कुछ दे दूँगा. या भी ज़्यादा दिन घर पे नहीं रखूँगा, नहीं तो पूरे घर में है ना मैंगो का स्मेल आ रहा है. राइपंड मैंगो. सी हा. बोल्ट बोल्ट अभी बोल्ट जरा फ्रेश फील करा है. कसं आहे, कुठे जायचं तुला, कुठे जायचं, कुठे जाऊन आला तू, फिरून आला? ओ गुड बॉय गुड बॉय. शेक हँड. गुड बॉय. आणि आम्ही आईकडे गेलो होतो काल, गावाला गेलो होतो आम्ही आईकडे, तू नाही आला. कुठे गेला होता तू? ओ गुड बॉय गुड बॉय. अंग तिकडे, तुला आंबा देतो मी इकडे. हे स्त्री, तुला आंबा खायचा का? हा बघ आंबा, छोटू आंबा. पण दिस इज ना सगळ्यात गोड आंबा असतो माहिती का? हा नाही, हा पाडा तर नाही आहे, हा आपण पिकवलेला आहे. छोटा गोटी मागच्या वेळेला काढले होते माहिती आंबे आपण. दाब कसं आहे? आता इकडे दे, तुला खायचा का? स्टार्ट इटिंग मँगो कॉम्पिटिशन. गोड आहे ना, सॉलिड. हा आता इकडे दे, आता काय करतो असं खायचं. मस्त आहे. खा पूर्ण. हा पूर्ण खा, म्हणजे असं खूप गोड आहे. गोड आहे ना, फुल पिकलेला गोटी आंबा आहे तो.
ओमेला फोन केला होता तर ओमे जरा बाहेर गेलाय. ओमे आला की आपण जाता आता त्याला आंबे देऊ काय अकॅडमीवर काय. वन आवर लेटर ओमे के लिए आम लेके जा रहा हूँ. उसने मेरे लिए लाए थे ना तो हम लोग गाँव गए थे तो लाए तो ओमे को भी दूंगा बाकी को भी दूंगा. अभी जाते जाते ओमे के घर से होके जाऊँगा. स्वेटर ढूंढ रहेगा अभी रखते टाइम सही रखता नहीं है फिर ऐसे एन मोमेंट पर उसको ढूंढो ढूंढो करना पड़ता है. ओके चलो निकलते हैं. पिशवी लावली बघितली उमी पिशवी टाकू गया बाय. ये पेड़ पे भी एक मैना है. चला ड्रॉप बॉल चालू करा. सिंस लॉकडाउन इन्फोर्स किया गया है तो वापस हमारे एकेडमी का टाइमिंग हम लोग ने शिफ्ट करके 2 से 4 किया है. अनुज नहीं आ पाया पता नहीं क्यों उसका में भी रीज़न कुछ अलग रहेगा. ये बच्चे तो आए हैं 8 में से 7 बच्चे तो आए हैं. ये लोग कर रहे हैं नॉकिंग ड्रॉप बॉल करके हो गया है अभी नॉकिंग कर रहे हैं. आपला आज होणार आहे का नाही. अरे 2 वाजताची बॅच होती 3 वाजले अजून तू पॅडअप करतोयस. अरे पण तू आलायस तू येऊन पण अर्धा तास झाला. आता अर्धा तास अजून तुला जायला लागेल मग टाइम संपेल आपल्या अकॅडमीचा मग लॉकडाऊन चालू होईल मग आपल्याला घरी जायला लागेल. चल लवकर. वन आवर लेटर चला कुलडाऊनला बसा पटपट पटपट चल रे बारीक कुलडाऊन ईशान कुलडाऊन चला पटकन. ए चला 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 घरी जाय का चला पटकन पटकन लॉकडाऊन होईल बरं का. हां पोलीस पकड दिल नाही तर. बाय 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 बाय. A few moments later. हा बरं सायकल आणली. सायकल चालवतच नाही आता ते टायर पंक्चर. हे काय कॅम्प बडा बडा किल्ला आयला फट गया टायर फट गया पंक्चर नहीं है तो टायर ही फट गया. टायर भी चेंज कर देते हो टायर भी फट गया ये टायर भी फिलहाल डाल देते. ये भाई साहब बिल्डिंग का काम करते थे लॉकडाउन की वजह से अभी कस्टमर ही नहीं है तो टायर पंक्चर निकालने का अभी ये सीख रहे हैं. 1.5 साल से लोगों को जॉब नहीं है काम नहीं है सब मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ गया है लॉकडाउन में और गिराए खर्चा करने को नहीं बोलते हैं. क्या होएगा. चलो अच्छा हुआ टायर बदल के मिल गया टाइम पे. ट्यूब भी नया डाला और टायर भी दूसरा डाल दिया. टायर फट गया था ट्यूब फट गया था अच्छा हुआ एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ. ओके थैंक यू. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अंगद का पी का लेक्चर है. एकेडमी से आने के बाद पी लेक्चर अटेंड कर रहा है. टीचर गेला टीचर ले गायले टीचर सांग टीचरला मला लेट झाला सॉरी म्हणून टाइमपास नाही करायचा ग्राउंडवर. टायर पंक्चर झाला होता आपला सिरियसली. तू कोणाला ढापलास काय शर्ट नाही की अंगद चोरलास. थांबा जरा तुम्हाला वाटतं मी चोरला ना. हा येईल का अंगद्याला सांगा मला. हा येईल अंगदला कळालो. मम्माचा मला वस्तू म्हणून मी घातलाय. ठीक आहे ठीक आहे पण तू ढापतेस अंगदचे शर्ट मला माहिती. एक ढापलेला आहे माझे ढापते. तू ढापू चंद आहेस. निकू मामाचे पण ढापले होते. डल्ला मारती है लड़की अंगद के कपड़ों पे मम्मा के कपड़े. टीचर अंगद को सुन ही रही थी. अंगद टीचर को बोल रहा है मुझे लेट हुआ है. अरे पूछ नहीं रही तो काय को पता नहीं का लेट हो रहा है. तो टीचर हाँ आमचा इतना टायर पंक्चर झाला होता मग पप्पा मला घरी सोडायला आले म्हणून मला लेट झाला. खोटं नाही बोलायचं कधी बिलकुल खोटं नाही बोलायचं. काय का माहिती आहे का खोटं बोललं ना की आपल्याला गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. अगर आपण झूठ बोलते ना तो अपने को मेमोराइज करना पड़ता है वो झूठ क्योंकि उस झूठ को छुपाने के लिए हमको और एक झूठ बोलना पड़ता है. इसलिए पहला झूठ हमको याद रखना पड़ता है. इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलने का सच बोलने का. सच बोलेंगे ना तो अपने को ना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ मादा फंडा है कळलं का. खोटं बोललं तर गोष्टी लक्षात ठेवायला लागतात. खरं बोललं की गोष्टी लक्षात ठेवायला नाही लागत आणि मग आपण पकडले जात नाही कुठे. आय आपण खरं बोलतो कधी पण आपण खोटा बिटा बोलत नसतो. मँगो मँगो ये बोल धर ये तुला आंबा देतो आंबा. इकडे 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 हां
अरे इकडे 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 हा इकडे इकडे हा इकडे खा तुझ्या ताटात. अंगद को और बोल्ड को दोनों को एकदम मैंगो है ना जबरदस्त. अभी अंगद ने एकेडमी जाने से पहले दो आम खाए, आने के बाद एक आम खाया और अभी अत्ता की टॉयलेट तक तो है. हाँ विसर लगा तू. हाँ क्लास शुरू होता पीटी का क्लास. गार्डन वडापाव. गार्डन वडापाव ओके. अंगद वडापाव गार्डन वडापाव गार्डन वडापाव हे स्त्री ऑर्डर इट. अंगद तू काय लिहितोय, मराठी लिहितोय का हिंदी लिहितोय? अंगद रो रहा था. खूप अभ्यास आला आहे. प्रक्षती बोली तेरा तेरा एक महीना होने वाला नहीं है, बोली प्रक्षती. उसके आंखों में आंसू आ गया. मम्मा तू ऐसे नको बोलू और रोने लग गया. अभी जस्ट न्यूज पढ़ा मैंने ये सैटरडे संडे में पूना रूरल का जो पुलिस है उन्होंने 900 टूरिस्ट लोगों को फाइन मारा है सिंहगढ़ लोनावाड़ा एंड बुशी डैम के आजू बाजू में. अरे 900 बहुत कम है. ये आंकड़ा है ना 9000 चाहिए 9000 तब लोग घर पे बैठेंगे. मतलब फाइन मार रही है मतलब इट्स लाइक ए टोल. मतलब ये 500 रुपये भरो और जाओ. ऐसा नहीं चाहिए भाई, तुम उनको उधर जाने को मत दो तब ये कोरोना नहीं रुकेगा. और ये नहीं तो वापस हमको लॉकडाउन फेस करना पड़ने वाला है. एंड अभी उड़ती खबर आ रही है कि वापस शायद 1 तारीख से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा. कितनी सही है मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ऐसे उड़ती कानों में न्यूज़ आ रही है. अभी तो सब कुछ खुला है, अभी बंद नहीं होना चाहिए नहीं तो बहुत वांदे हो जाएंगे यार सबके. अभी प्रक्षति को बोला यार भूख लगी है तू कुछ खाने के लिए मंगा, तो प्रक्षति ने गार्डन वड़ा पाव ऑर्डर किया है. तो अभी गार्डन वड़ा पाव खाएंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 हफ्ते से ब्लॉग ही नहीं लिखा है बॉस. वो संकेत सर थे ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था मेरे को लिखने को. संकेत सर गए तब से मेरे को ना लिखने को ऐसा मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है अभी. ऐसा एक दिन ऐसा ना ब्लॉगिंग छोड़ के ब्लॉग लिखने में मोटिवेशन लाना पड़ेगा ज़बरदस्ती का. ऐसा एक दिन बैठ के ना 2-3 ब्लॉग एक ही दिन लिख डालूंगा. हो सकता है पॉसिबल है एक दिन फुल उस दिन ब्लॉग नहीं करूंगा भाई. उस दिन सुबह से बैठूंगा ना शाम तक लिखूंगा ही सिर्फ लिखूंगा. और करना पड़ेगा बॉस, करूंगा पक्का. चलो दोस्तों आज का ब्लॉग ना थोड़ा जल्दी ख़त्म करता हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है. तो आज जल्दी ब्लॉग एडिट कर चुके, जल्दी सोने का प्लान है. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट डल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी. तो दोस्तों एज ऑलवेज अडियोस अमिगोस.